हाय गाइस, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म। तो आज का टॉपिक है बीबीएस ऑफ अ पाइल। तो पाइल का बीबीएस कैसे करते हैं उसको समझने के पहले हम देख लेते हैं कि उसका ड्राइंग कैसा होता है, उसका जो डिटेलिंग होता है वो कैसा होता है। तो ये हो गया एक पाइल का टिपिकल डिटेल। ये 500 डाया का एक पाइल है, 500 डाया का। उसका जो कट ऑफ लेवल है वो है -1.75 मीटर और उसका जो टर्मिनेशन लेवल है वो है -30.25 मीटर। तो ये कट ऑफ लेवल के ऊपर हम जो ये रिइंफोर्समेंट को छोड़ के रखा है ये है एलडी, मतलब डेवलपमेंट लेंथ जो पाइल कैप के अंदर रहता है ताकि कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड हो सके। तो ये जो एलडी है इसका वैल्यू है 50D, जो जहां पे डी है डायमीटर ऑफ दिस वर्टिकल बार्स। ये है टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइल। इसको अगर एक सेक्शन ले लेंगे हम ऐसे तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तीन रॉड है यहाँ पे। एक है ये जो हेलिकल, जो बाहर वाला है उसको बोलते हैं हेलिकल, वो ऐसे रहता है, देखिए ऐसे ये वाला जो है, ठीक है, इसे स्पाइरल रहता है, इसको स्पाइरल भी बोल सकते हैं आप, एक स्प्रिंग के जैसे दिखते हैं ये। तो इसका है 8 डाया 8 टॉर एट द रेट 150 सेंटर, मतलब इसका स्पेसिंग है 150, इसको पीच भी कह सकते हैं आप। अब देख लेते हैं कि इसका जो मेन बार्स है ये है, इसका मेन बार्स ये जो है, ये मेन बार्स है, 8 नंबर्स मेन बार्स है यहाँ पे, 12 डाया का मेन बार्स है यहाँ पे और 8 नंबर्स है। और जो ये अंदर वाला जो है, अंदर वाला जो रिइंफोर्समेंट है सर्कुलर, इसको बोलते हैं स्टिफनर, कभी कभी मस्टर रिंग भी बोलते हैं इसको। तो इसका डायमीटर है हमारा 16 डाया स्टिफनर और इसका स्पेसिंग है 1500 सेंटर टू सेंटर। तो अभी देख लेते हैं इसका लैप लेंथ कितना है। ये जो लैप है यहाँ पे देख सकते हैं, तो लैप है 50D, मतलब 600, क्योंकि यहाँ पे 50 × 12 का बार है, तो इसलिए 50D मतलब 600, तो इसका लैप हो गया 600। तो ये है बेसिक ड्राइंग। अब चलिए देख लेते हैं कि इसका बीबीएस हम कैसे करेंगे। तो एक्सेल में मैं 2 शीट बना के रखा, ये है मेन शीट जहां पे हम फाइनल कैलकुलेशन करेंगे और ये है सेकेंड शीट जहां पे हम आपको समझाएंगे। तो पहले क्या है, पहले जो मेन बार है उसका बीबीएस हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो ये जो मेन बार्स है ये कहां से कहां तक है, देखिए ये जो -30.25 मीटर इसका टर्मिनेशन लेवल है, यहां से ये स्टार्ट हो रहा है और ये एंड कहां पे हो रहा है, जहां पे हमारा कट ऑफ लेवल है उससे 600 ऊपर, ये एलडी है 600 का, तो उससे 600 ऊपर ये खत्म हो रहा है। तो हम अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक पार्ट लिखा ए। ए क्या है, ए मतलब हमारा ये जो कट ऑफ लेवल है यहां से स्टार्ट करके ये जो टर्मिनेशन लेवल है 30.25 मीटर माइनस इतना तक, तो इतना तक क्या आएगा, 30.25 मीटर से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1.75 मीटर, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, तो आ जाएगा हमारा पार्ट ए। तो देख लेते हैं यहाँ पे पार्ट ए क्या है, 30.25 मीटर माइनस कट ऑफ लेवल, मतलब टर्मिनेशन लेवल माइनस कट ऑफ लेवल 28.525 मीटर। अभी इससे तो इसका कवर डिडक्ट होगा ना, ये जो कवर है यहाँ पे जो बॉटम वाला कवर है ये तो डिडक्ट होगा, क्योंकि -30.25 मीटर तो ये है, ये वाला लेवल है यहाँ पे इसका कॉन्क्रीट सरफेस एंड हो रहा है और इससे 50 mm का क्लियर कवर है, तो वो डिडक्ट हो जाएगा। तो हम 50 mm को डिडक्ट कर दिया, मीटर में है, सो 0.05 mm डिडक्ट हो गया इससे। और ये पार्ट बी क्या है, पार्ट बी है जो एलडी है, मतलब यहाँ पे जो एलडी है ना, ये वाला पार्ट यहां से स्टार्ट होके यहां तक, तो ये एलडी जो पाइल कैप के अंदर रहेगा, ये एलडी हम 600 ले लिया, 12 डाया का बार है, तो 50 × 12 50D आ जाएगा हमारा 600, उसको 0.6 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो बी हो गया हमारा 600। अभी सी क्या पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पाइल का जो टर्मिनेशन लेवल है यहाँ पे आके वो जो मेन बार्स है वो थोड़ा एल हो गया, एल जैसा हो गया। ये जो है इसको हम लेते हैं 300, यहाँ पे हम 300 ऐड कर दिए, तो हमारे पास आ गया ए, यहाँ पे है कवर, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी, ये चारों पार्ट हमने देख लिया। तो अभी ये जो लैप है इसको हम बाद में समझेंगे, तो देख लेते हैं कैसे कैलकुलेशन होगा। ये जो ए पार्ट है इससे कवर डिडक्ट हो जाएगा, A2 से कवर डिडक्ट हो गया, देखिए A से कवर डिडक्ट हो गया,
उसके साथ ऐड हो गया बी पार्ट जो एलडी है वो ऐड हो गया, और यहाँ पे जो सी पार्ट है जो नीचे वाला जो 300 का पार्ट मैंने बोला एल वो भी ऐड हो गया, तो आ जाएगा हमारा 29.375 मीटर। और ये 1.2 क्या है, मतलब 600 करके एक एक लैप होगा, क्यों, क्योंकि 50D का लैप है, 50 इंटू 12 डाई का रॉड है तो 0.012, तो आ जाएगा 600, तो 600 करके दो लैप होगा यहाँ पे, क्यों हम बता रहे आपको, तो 1.2 ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा 30.575 मीटर। ये हो गया टोटल कटिंग लेंथ, मतलब टोटल कटिंग लेंथ ऑफ वर्टिकल बार्स। तो अभी देख लेते क्यों ये लैप दो होगा, ये हमारा मेन शीट है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वर्टिकल बार है उसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक बार तो आपका 12 मीटर से ज्यादा नहीं आता, तो हम क्या किया, पहले एक 12 मीटर डाल दिया पूरा, एल को पकड़ के पूरा 12 मीटर का एक रॉड दे दिया, ठीक है। अभी क्या है, ऊपर वाला जो बार है, ये जो बार है मिल को छोड़िए, ऊपर वाला जो बार है उसमें भी हम 12 मीटर एक यूज कर लिया, पूरा एक 12 मीटर यूज कर लिया, तो हमारा कितना हो गया 12 और 12 मिलके 24 मीटर हो गया। और अभी हमारा टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 30.575, हमारा कितना बचा रहा, जो मिडिल बार होगा उसमें हम सेट करेंगे वो लेंथ, तो देख लेते हैं उसका क्या होगा, 30.575 से हम 24 को सेपरेट कर देंगे, तो आ गया कितना 6.575 मीटर। ये होगा हमारा जो मिडिल वाला बार है उसका लेंथ, उसका कटिंग लेंथ। तो देखिए यहाँ पे जो मिडिल बार है इसको हम सेट कर देंगे, ये जो मिडिल वाला बार है इसमें हम दोनों लैप लेंथ को ऐड कर दिया, मतलब देखिए ये जो 1.2 मीटर है ये हम ये मिडिल वाला बार में ही ऐड कर दिया, तो आ गया हमारा तीनों बार, ये बॉटम बार, ये टॉप बार, ये मिडिल बार। इसका डाया क्या है 12 मीटर, और नंबर ऑफ आइटम्स मतलब एक ही दो पैल के लिए कर रहे हैं हम, और नंबर ऑफ बार कितना है, आठ नंबर्स बार है। देखिए ये मेन बार से 8 नंबर्स है येलो कलर का, तो आ गया हमारा टोटल कटिंग लेंथ हो गया 12 × 8, ठीक है, × 1, एक ही पाइल है तो 12 × 8 × 1 अगर 96, और यहाँ पे आ गया 12 × 8 × 1 फिर जो बॉटम बार है, टॉप बार है, तो टॉप और बॉटम बार का सेम ही आ गया, और जो मिडिल वाला बार है जिसको हम सेट किया वो है 6.575 मीटर, वो भी सेम, उसका भी 8 नंबर्स है और कटिंग लेंथ है उसका 6.575 मीटर। तो ये भी मल्टीप्लाई होके यहाँ पे बैठ जाएगा 12 एम के अंदर, ये है 52.6। अभी हम देख लेंगे कि स्टिफनर का जो कटिंग लेंथ है वो हम कैसे करेंगे। पाइल का जो मास्टरिंग है वो है ये वाला बार, यहाँ पे आने के लिए हमको क्या क्या डिडक्ट करना पड़ेगा पहले देख लीजिए। पहला है ये जो कवर है ये है 50, जो क्लियर कवर है 50 mm, ठीक है। फिर ये जो हेलिकल बार है ये भी डिडक्ट होगा, फिर क्या डिडक्ट होगा, ये जो मेन बार है ये भी डिडक्ट होगा, तो आ जाएंगे हम ये जो मास्टरिंग है उसका आउटसाइड में, तो वही होगा उसका इसका रेडियस। देख लेते हैं, पहला है पाइल डाया 0.5 मीटर, अभी रेडियस है कितना, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे 0.25 मीटर। कवर है 50 mm जो मैंने बोला क्लियर कवर, तो 0.05 मीटर। हेलिकल कितना है 0.008 मीटर, मतलब 8 mm का बार है। और मेन बार जो है मेन वर्टिकल बार तो 12 mm का आप देख ही लिया, तो 0.012 मीटर। और रेडियस ऑफ रिंग तब क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ रिंग हो जाएगा ये जो 0.25 जो रेडियस है, जो पाइल का रेडियस है उससे हम इसको सबट्रैक्ट कर देंगे इन तीनों को, मतलब पहले कवर को सबट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद हेलिकल को सबट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद मेन बार को सबट्रैक्ट करेंगे, तो आ जाएंगे हम एकदम जो मास्टरिंग है उसका आउट फेस में, ठीक है। पहले कवर, उसके बाद हेलिकल, उसके बाद मेन बार, तो आ जाएंगे हम मास्टरिंग के आउट फेस में, ईजी है। तो अभी इसका जो रेडी सर्कमफेरेंस होगा वही तो इसका कटिंग लेंथ होगा ना, इसका जो सर्कमफेरेंस होगा, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr, देख लीजिए 2 × π की जगह मैंने 3.14 पुट कर दिया, × r रेडियस ऑफ रिंग जो निकाला हमने। अब उसके साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरलैप, मतलब 10D एक ओवरलैप हमने पकड़ लिया। ये क्या है, आपका जो ये मास्टर रिंग है, एक बार को तो आप सर्कुलर ऐसे नहीं रख सकते ना, इसको तो ओवरलैप करना पड़ेगा ताकि वेल्ड करके हम उसको
एक सर्कल बना सके, एक स्ट्रेट बार को सर्कल बनाने के लिए आपको तो ओवरलैप करना ही पड़ेगा थोड़ा सा पार्ट, ताकि वो सर्कल बना रहे। तो वो जो पार्ट है ओवरलैप, उसको हम 10D लेते हैं, ठीक है, साइड लेवल में वो 10D लेते हैं। तो 10 इंटू डाई ऑफ बार कितना है, 16 बार है तो 16, 0.016 × 10, तो आ गया हमारा टोटल ये सर्कमफेरेंस प्लस ओवरलैप करके 1.2904 मीटर। तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, ये जो स्टिफनर है हम देख सकते हैं इसका 1.29 मीटर मैंने पुट कर दिया, इसका डायवा कितना है 16, इसका स्पेसिंग है 1500, एक ही पाइल के लिए कर रहे हैं हम तो 1। और अभी देख लेते हैं इसका नंबर कितना होता है, मतलब कितना नंबर ये स्टिफनर आएगा। ये तो हमने निकाला एक स्टिफनर का कटिंग लेंथ, अभी इसका नंबर कितना टोटल नंबर होगा स्टिफनर वो देख लेते हैं। लेंथ ऑफ पाइल, ये जो स्टिफनर है ये डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ जो पाइल है उसके ऊपर और इसका खुद का स्पेसिंग के ऊपर। ये जो लेंथ ऑफ पाइल है देखिए पहले 30.25 मीटर, मतलब हमारा टर्मिनेशन लेवल जो है 30.25 मीटर। अभी उससे क्या डिडक्ट हुआ, कॉवर, कॉवर डिडक्ट हो गया, हम आ गए यहाँ पे हम आ गए। अब इससे डिडक्ट हो रहा है कट ऑफ लेवल 1.75 मीटर। अभी कट ऑफ लेवल क्या है, कट ऑफ लेवल तो यहाँ पे आ गया, तो हम यहां से यहां तक पूरा ले लिया। अभी क्या बचा रहा, ये जो पार्ट है यहाँ पे भी तो मास्टर एडिंग रहेगा ना, तो ये क्या है, ये है 600 जो LD। तो अभी हम चले जाते हैं कैलकुलेशन में, तो इसलिए हम 600 ऐड कर दिया, तो हमारा टोटल चलाया 29.075 मीटर, इसका स्पेसिंग है 1.5 मीटर। तो इसका नंबर्स क्या होगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.5 से, एक ज्यादा होगा, तो लेंथ बाई स्पेसिंग प्लस 1 है इसका फॉर्मूला नंबर्स का। तो ये आ गया हमारा 20.38, जिसको हम 20 पकड़ लेंगे क्योंकि ये 20.5 से कम है, तो 0.5 से कम है तो हम 20 पकड़ लेंगे। तो देख लीजिए 20 पकड़ लिया हमने नंबर्स ऑफ बार्स, और इसका कटिंग लेंथ क्या निकाला हमने 1.290, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 25.8, तो 69 का बार हो गया 25.8 मीटर इसका टोटल रनिंग लेंथ। अभी हम चले आते हैं ये जो स्टिफन जो हेलिकल है, हेलिकल में ये जो हेलिकल है इसका फॉर्मूला है, इसका कटिंग लेंथ का फॉर्मूला है एन रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एन। अभी ये फॉर्मूला कैसे आता है, इसका डेरिवेशन क्या है, इसका रीजन क्या है, इस फॉर्मूला का कहाँ से आता है, ये हम आपको दूसरे क्लास में दिखाएंगे, पर अभी के लिए ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए एन रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मतलब ये जो हेलिकल बार है इसका कटिंग लेंथ का फॉर्मूला हो गया एन रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अभी ये एन क्या है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल्स टू, अभी कैसे आएगा नंबर ऑफ टर्न का जो फॉर्मूला है वो है, अभी ये जो लेंथ ऑफ पाइल है, जो लेंथ ऑफ पाइल हो गया उसको हम डिवाइड कर देंगे इसका स्पेसिंग से, मतलब ये जो हेलिकल बार है इसका स्पेसिंग से। इसका स्पेसिंग क्या है तो देख सकते हैं हम कि इसका जो स्पेसिंग है हेलिकल का ये है 150 सेंटर सेंटर, ये वाला है 150 सेंटर सेंटर, मतलब यहां से यहां तक का स्पेसिंग है 150। तो यहाँ पे हम इसको 150 से डिवाइड कर देंगे लेंथ ऑफ पाइल को, तो आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ टर्न्स। अब इसका रेडियस क्या होगा, ये जो हेलिकल है इसका रेडियस कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे जो पाइल है इसका आउट फेस से हम अगर पावर डिडक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा हेलिकल का आउट फेस में, हेलिकल जो बाहर है उसका आउट फेस में हम आ जाएंगे। तो क्या किया, ये जो पावर है मतलब 0.25 जो पाइल का रेडियस है उससे हम 0.05 सेपरेट कर दिया, जो कवर है उसको सेपरेट कर दिया, तो आ गया हमारा 0.20, ये है इसका रेडियस। और इसका सर्कमफेरेंस तब क्या होगा, 2 पाई r 2 × 3.14 पुट कर दिया और ये r रेडियस, तो आ गया हमारा जो हेलिकल बार है उसका रेडियस सर्कमफेरेंस। और ये जो p है इसका मतलब पिच, मतलब स्पेसिंग, ये क्या है 0.15 मीटर जो हम देख लिया यहाँ पे। ये जो पूरा एक राउंड मार के घूम के यहाँ पे आता है इतना, इसको बोलते हैं पिच, ये डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को बोलते हैं पिच। तो हो गया हमारा पिच, पी भी हम पुट कर दें 0.15। अभी ये सब वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, एन के जगह हम पुट कर देंगे 194, सी के जगह हम पुट कर देंगे 1.25 सी उसका स्क्वायर, और पी के जगह हम पुट कर देंगे 0.15 उसका स्क्वायर रूट ओवर 8। तो ये करके हमारा आ जाएगा 245
0.18, इसको हम पकड़ लिया 245 हम पकड़ लेते हैं, ये हेलिकल बार का जो कटिंग लेंथ है उसको 245 हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि 8 mm का बार है तो हेलिकल का टोटल कटिंग लेंथ आ गया 245 डायरेक्ट फॉर्मूला में। अभी ये 245 जो है ये इसका टोटल कटिंग लेंथ है, तो 245 मीटर का तो कोई बार नहीं आता, एक बार तो आता है 12 मीटर का, तो हमारा लैप होगा तो कितना नंबर लैप होगा, देखिए इसको ये जो 245 है इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 20.41, इसको हम 20 पकड़ लेंगे तो 20 नंबर लैप हो जाएगा, यहाँ पे 20 नंबर लैप हो गया, और कितना जो लैप लेंथ है वो कितना होगा 50D। तो यहाँ पे डायमीटर क्या है, यहाँ पे डायमीटर है 8 mm, क्योंकि जो हेलिकल है उसका डाया है 8, तो 8 mm का जो बार है उसका लैप लेंथ होगा 50 × 8 मतलब 400, तो 400 है इसका हेलिकल का जो लैप है वो उसका लेंथ, तो ये 20 नंबर्स है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसका कटिंग लेंथ आ जाएगा 8, ये टोटल 245 प्लस 8 जो है ये टोटल हेलिकल का लैप को लेके टोटल लेंथ आ गया कटिंग लेंथ। तो अभी ये आ गया 253, 12 mm का आ गया 244 और 16 mm का आ गया 25। अभी इसको हम यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल वेट, अभी तो टोटल वेट आ गया हमारा टोटल ऐड करके 358.393, तो मतलब 358.393 जो है ये केजी में है, अब इसको केजी में डाल देते हैं और 358 केजी रॉड लगेगा एक पाइल में, ये जो एक पाइल है 500 डायर का, ये पाइल में आपका 358.393 केजी रॉड लगेगा। तो ये था एक पाइल का BBS कैसे करते हैं हम, और नेक्स्ट क्लास में आप देख लेंगे कि कैसे वो n root over c square plus p square जो फॉर्मूला आता है। थैंक यू गाइज़।